बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड रन लाया आज आपके लिए रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं। एक चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर है और साबुत लाल मिर्चें हैं। हाफ के जी गोश्त लिया था मैंने, उसके साथ एक हड्डी भी ले ली थी ताकि उसका जूस उसके अंदर आ जाए। साबुत गरम मसाले हैं और उसके साथ ही मैंने चना दाल ली थी हाफ कप, इसको भिगो के रख लिया था। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जितने हमने जमा किए थे वो एक हांडी में डाल के 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया इसमें, और इसके साथ ही हमने प्याज भी डाल दी थी जो हमने काट के रखी थी एक प्याज, और साथ में इतना पानी डालेंगे अब जो तमाम चीज़ें गोश्त और दाल गल जाए। जब खोल आने लगेगा तो हम इसको ढाँक के और चूल्हे का फ्लेम कम कर देंगे। अब ये तकरीबन इतना हो गया है कि हम अब इसको चेक करते हैं कि दाल हमारी गली नहीं गली। दाल हमारी तकरीबन गल गई है, हम हाथ से चेक करेंगे दाल को, दाल गल गई है। अब इस स्टेज पे हमको नमक डालना है ताकि दाल गल चुकी हो। एक 1 टेबल स्पून से ज़्यादा हमने नमक डाला था, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। और गरम मसाला भी अभी डालेंगे हम, गरम मसाला 1 टेबल स्पून डालें। गरम मसाले को बाद में ऐड करते हैं ताकि उसका टेस्ट सही रहे। इसके साथ ही मैंने एक शामी कबाब का मसाला 1.5 चम्मच डाल दिया था जो मेरे पास था, तो मैंने उसको डाल के इतना पकाया कि अब इसका पानी कम रह गया। अब मैं जो एक्स्ट्रा मैंने मिर्चें डाली थी वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसको मेरे को इसके साथ ग्राइंड नहीं करना है। और जो हड्डी भी डाली थी ताकि उसका टेस्ट जूस इसमें आ जाए, अब ये सब चीज़ें निकाल के मैं पानी खुश्क कर लूँगी इसका, ताकि पानी खुश्क हो जाए तो मेरे पास फिर इसका मसाला ऐसा हो जाए तो इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। मैंने मिर्चें इतनी रखी हैं जो मुझे ज़रूरत है। आपको मिर्चें कम रखनी है कम रखें, ज़्यादा रखनी है ज़्यादा रखें। अब जो ये चीज़ें मुझे इसमें मिलानी है चॉप मसाले में, तो धनिया पुदीना है, मिर्चें हैं और प्याज कटी हुई है, अंडे हैं और नींबू हैं। अब ये चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़े से मैंने इसके साथ तिल भी ऐड कर दिए। कबाब के अंदर रेशे आपको दिखा दूँ कैसे रेशे निकल रहे हैं, और ये तले जाएंगे तो ये बहुत मज़े के बनेंगे कबाब। अब ये सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने कबाब बना लिए। अब मैं कबाब तल रही हूँ। अब इसमें आपको मैंने जो तिल ऐड किए हैं वो तिल आपको तले हुए कबाब में नज़र आएंगे। दोनों साइड को अपने हिसाब से ब्राउन होने तक पलट के तलते रहें। देखें कितना खूबसूरत कलर आया ब्राउन होकर। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपके ब्राउन हो गए कबाब, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और देखें आपको तिल भी क्लियर नज़र आ रही है और कबाब भी इतने प्यारे लग रहे हैं कि आपका खाने का दिल करेगा। आपके पास जो भी जिसके लिए भी बनाएंगे सब मज़े के बनेंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ट्राई करके कमेंट्स करें। मज़ीद वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करें, सब्सक्राइब के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।